बोलो जय शनिदेव, बोलेंगे सभी। सारे बीच में टहलो जाओ, जय श्री देव बोलते हुए जाना है, जय श्री देव बोलते हुए धीरे धीरे चलो। अपने दर्दों को तोल लो, दर्द कितने हैं, क्योंकि दर्द जब निकलेंगे तो आपको पता चलेगा दर्द कम हो गए। पीछे बैठो, यहाँ बैठो नीचे, कोई ना बुलाया ना।
कहाँ डर रहे है? कितना है हल्का? अभी हुआ है या पहले से ही हल्का है? नहीं, अभी 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 जब बैठे थे तो कितना था? है कहाँ पे है? कमर में है। ऐसे ही रहो, ऐसे घूम जाओ। बताओ कहाँ है, कितना है? अब इसमें तो हल्का, खड़े होके बताए ना, भर खड़े होके तो बताएंगे। इसमें तो हल्का कमर में बिल्कुल हल्का हो गया। हाँ अभी चलो, यहाँ पे है। नवीन बहन जी इधर, कहाँ दर्द है अभी आपको? गर्दन में? और कहाँ है? क्या कुछ कम हुआ है? शनिदेव महाराज का तीर दीजिए मुझे, उनके तरकस से निकाल के दीजिए तीर। देखो भाई तरकस दिखाओ शनिदेव महाराज का। आज बहुत सारे शनिदेव महाराज को वो पहनाए हुए हैं वस्त्र, दिख नहीं रहा। हल्का हल्का कैसे हो गया? कैसे अभी बैठा है कुछ? देख लो अभी तो तीर आया नहीं, जब गर्दन में तीर लग जाएगा। कहाँ दर्द है? नहीं है। अरे तीर नहीं मिला तुम्हें? अरे पीछे है उस चुन्नी के पीछे, चुन्नी हटाओ, तीर निकालो। अरे क्या कर रहे हो तुम, कैसे खींच रहे हो? अरे पीछे की तरफ तरफ है तीर, तरकश कहाँ होता है? अरे भगवान की कमर के साथ तरकश होगा आगे की, और इसको ऊपर करो। मिल गया, ये बंधा हुआ था, वो खोल रहा अर्जुन देव बंधा हुआ था। अरे वो ठीक करो शत तनीरदारी ने। हाँ तनीरदार चले शरीर। बताओ बताओ कहाँ मारा जाए, दर्द कहाँ है बताइए। ये देख लो तीर देखते ही दर्द हल्का हो गया, तालियां बजा दो। बोले शनिदेव महाराज की। ये तीर का कमाल है भगवान का, भी तीर में छुआ नहीं है, बस कहा ही है मैंने, डर गया हल्का सा रह गया। मुझे ये बताइए जो बीमारी आपको महसूस होती थी और जिस बीमारी के लिए आपको डॉक्टरों ने कह दिया घुटने का ऑपरेशन हो गया, दर्द है आपको, क्या वो महसूस हो रही है अभी? आराम मिल रहा है? एक बार चलिए जरा दोनों पैरों से, और लगा कहीं भी कैप है? अच्छा यहाँ से वहां तक भाग के आइए, तेजी के साथ। भगवान के तीर को देखिए जरा, संजय महाराज के तीर को देखिए, से पता है भाई घायल तो करेगा ही करेगा। कहाँ रोग है कहाँ दर्द है मुझे बता दो, ये तीर है भगवान का है?
बार आई है बेशक, लेकिन ये खुद ही बता देगी, क्या बता देगी कि इसको जो भी रोग है वो डॉक्टर के हैं नहीं, जो भी रोग है वो शनि धाम के हैं और शनि धाम से ये ठीक होगी और कहीं किसी डॉक्टर से। आने वाले 1,00,000 वर्षों बाद, यानी कि अगला भी जब युग बदल जाएगा तब भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको जो रोग है वो निगेटिविटी से है और किसी चीज से नहीं है, इसका इलाज यहीं से होगा। तो आपने वहां चेक कराना है क्या नहीं, और फिर आपको यज्ञ प्रक्रिया में शामिल होना है और अभी आना है। चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की। चलो ऐसे ही घूमो अभी इनके साथ। मैंने आपको ये बता दिया, आपको डॉक्टर का कुछ भी नहीं है। जिस डॉक्टर ने कहा आपके दोनों घुटने बदले गए, उस डॉक्टर का दिमाग खराब है, उसने कोई विद्या नहीं सीखी है। हाँ जी, आओ आगे। क्या नाम है आपका? है इतने दर्द बताओ पूरे शरीर में कहाँ है जिस दर्द के लिए आपने डॉक्टर को? है अभी आपको डॉक्टर ने सर्वाइकल बताया, माइग्रेन बताया, डिस्क भी बताई, उसने भी बताया, क्या बताया था? जिसकी दिक्कत से घुटने में दर्द रहता था। उछलिए जरा ऊपर, उछलते कैसे है? है कहाँ गए? उधर जरा सबको अपनी बत्ती सी दिखाइए। ये यहाँ तीर लगेगा और तीर जहाँ लगेगा वहां दर्द रहेगा। बोलो शनिदेव महाराज शनिधाम की जय। जिसको देखना है वो ये तीर देख ले, क्योंकि ये तीर डॉक्टरों की पोल खोलने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए घूमते रहिए आप जी। माता जी बताइए क्या हो रहा है आपको जब आप वहां बैठे थे, अब में क्या कुछ आराम है आपको? आगे कुछ दर्द महसूस हो रहा है आपको? ये नीचे तक देख सकते हैं, कुछ घटा भी है आपका? अभी जरा सा घूमिए आप, हम आपके भी देखिए। और रात को भगवान ने इसको बोला, भाई तू चीज में क्या क्या बोला बताइए, खड़े होकर बताइए क्या बोले? चलो चलो अभी जय शनि देव बोलते हुए बोलो। आप ही देखिए चलो ये सपने। हाँ क्या कहा मैंने? तीर लेके आना, शनिवार को मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहेगी, तू तीर ले आइयो, मैं तीर से काम कर लूंगा। शनि देव महाराज यही कहा था कि तीर लेके आना, तीर चढ़ाना, तीर और एक त्रिशूल, एक त्रिशूल और तीर, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में तीर, ठीक है। और फिर तीर मार दूंगा मैं किसको? हाँ बोलो नाम, बोलो अलका को क्या होता है? क्या बात कर रही है? कितना पैसा आपने लगा दिया? बहुत लगा दिया। चलिए अभी उधर मुंह करके जरा अपनी बत्ती सी दिखाइए। मतलब बहनों को कहने का मतलब ये, बत्ती सी दिखाने का मतलब ये है कि मुस्कुरा कर दिखाइए। आपको ये पता चल गया कम से कम शनि धाम में आपका इलाज तो है, डॉक्टरों के पास आपका कोई इलाज नहीं है। आगे आइए बोलते हुए, क्या नाम है आपका? अनीता रानी को क्या हुआ है? हस्बैंड का नाम क्या है?
लायक थे। अच्छा तब से आपके घुटनों में दर्द? अच्छा थोड़ा सा आगे चलिए जरा, मुझे लगता है आपके पैर थोड़े तिरछे हो गए, फिर भी आपको इतना दर्द नहीं होना चाहिए। कहाँ दर्द है? इतना चली है, चलने से दर्द बढ़ना चाहिए था, लेकिन इनको रिलीफ हुआ पहले से बहुत। बोलिए सनिदेव महाराज की। इतना चल नहीं पाती थी, अभी आप यहाँ कितना भी चलिए, देखिए ये बीच का मैदान है, कितना भी चलिए और यहीं पे चुनाव लड़ लीजिए, मत भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है कि नहीं? देखिए यहीं पे बैठ के चुनाव लड़ लीजिए, मत भी बहुत सारे मिल जाएंगे। आप अपनी वोट बैंक को देंगे कि नहीं देंगे? अरे सारे आप उठा दो, बना देंगे। देखिए आप बहुत सारी वोटें मैंने बना दी है। अच्छा लेकिन आपने तो उत्तराखंड की बात की। अच्छा ये तो बीजेपी में शामिल है, बीजेपी की वाइस चेयरमैन भी है। अच्छा बीजेपी का पूरा मतलब क्या है? भारतीय है, और जनता आपके साथ है कि नहीं है? सारी जनता साथ है कि नहीं है? तो आप उधर यान चंद्रयान 3 चंदा मामा से मिलने गया है कि नहीं? और यहाँ पर बहन जी अपने भाई से मिलने आई है, तो दोनों जीवन सफल हो गए। तालियां बजा दो। बोले शनिदेव महाराज की। आप आए, आपको मैंने एक चीज मैंने आपको दिखाई कि आपको जो दर्द रहते हैं, जो कष्ट रहते हैं, वो निगेटिविटी से रहते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म तत्व है, ये डॉक्टरों की पत्रिका है ही नहीं, कभी से नहीं था। इसलिए भारतीय जनता जो है वो बेकूफों की तरह अपने आप को ना जानते हुए, अपने धर्म को ना जानते हुए। दरअसल मैं और बहन जी से एक बात पूछ लेता हूँ, ये वैसे भी विधायक का चुनाव भी लड़ी है और काफी ऊंचे पद पर आसीन हुई है, तो ये बताइए कि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है कि धर्म सापेक्ष राज्य है? निरपेक्ष का मतलब वो होता है जिसके बिना सारा काम हो, यानी कि जैसे कर्म निरपेक्ष मतलब किसी भी कार्य के बिना और किसी भी हाथ पैर को लगाए बिना, और सापेक्ष का मतलब ये होता है, धर्म सापेक्ष का मतलब ये होता है धर्म के साथ, और धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि बिना धर्म के। तो बिना धर्म के भारत चलता है कि धर्म के साथ भारत चलता है? धर्म के साथ। तो भारत धर्म के साथ भारत चलता है तो धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष होना ही नहीं चाहिए। संविधान सापेक्ष हुआ भारत, धर्म निरपेक्ष हुआ, यानी कि धर्म के साथ भारत नहीं चल रहा, यानी कि सब धर्म एक समान ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम धर्म सापेक्ष कहते हैं तो इसका मतलब भारत में धर्मी लोग बहुत रहते हैं, तो ये तो धर्म निरपेक्ष शब्द है, ये धर्म सापेक्ष होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान शनिदेव महाराज। अच्छा दो बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों सर्जन हैं, और सर्जन को आज एक बात बताई जाएगी कि बेटे मेरे जो पैरों में दर्द रहता है वो निगेटिविटी से रहता है, वो डॉक्टर का है ही, इसलिए डॉक्टर इसके हराम नहीं दे सकता। और एक बात, अगर ऑपरेशन भी कर दिया जाए तो दर्द जो होगा जो रहेगा, ऐसे 1,000 केस मेरे भैया के पास आ चुके हैं, इन्होंने ऑपरेशन करा लेकिन दर्द वही का वही टिका रहा। बोलिए जय शनिदेव। आइए बहन। अरे बहन को भाई के ही आराम मिल सकता है और कहीं आराम मिल नहीं सकता है। भाई हम भी तो धर्म सापेक्ष हैं, हमने गलत क्या किया है बताइए? नहीं अब पैर ठीक है ना भाई? पैर ठीक है नहीं है? आपको आशीर्वाद किसका मिला? शनिदेव महाराज का मिला, इसीलिए मैं भाग के आया। हाँ फिर इसमें टिकट कटने वाली बात कौन है? बीमार कोई भी हो सकता है, है जी। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उनके घुटनों में परेशानी नहीं थी क्या? है केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर थे तब उनको खांसी नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ रही।
बनने के बाद इलाज हुआ है। फिर प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए उनका इलाज हुआ है। फिर कौन कैसे निकाल देगा ये बताइए। नहीं, उसका आधार क्या है भाई? अब आप ठीक है, अब आप उछल सकती है और भारत के जो सुपीरियर नेता है उनसे ऊपर उछल सकती है। अब आपको दर्द है कहाँ? अब तो मैंने आपका कार्ड भी ले लिया, आप तो वैसे भी दर्द नहीं होने देंगे हम आपको। ठीक है, मैं भगवान का तीर आपके साथ है, ये तो पता ही नहीं है आपको। अब तो बीजेपी के अन्य किसी नेता के पास भी दर्द है तो हमें बोलिएगा, हम यहाँ से तीर भेजेंगे और वो ठीक है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। महाराज की आपसे लोगों को ये सीखना चाहिए कि आपके दोनों बेटे सर्जन है, थोड़ा सा घुटने में तिरछापन आपके जरूर आया है, उसके दर्द आपको जरूर रहेंगे, लेकिन हमारे पास आते आते आपके बहुत सारे दर्द गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बोलिए जय श्री गुरु। और बीमारी से कोई भी ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी को बीमारी नहीं होती है। बड़े बड़े नेताओं को बीमारी होती है, फिर वो उस बीमारी से उभरते हैं और फिर दोबारा भी राजनीति करते हैं। तो इसमें क्या है, मान लिया मैं बीमार हो गया तो जनता का नहीं रहा क्या? जनता मेरे पास आना बंद कर देगी क्या? भाई मुझे बुखार खांसी चढ़े हुए हैं, अपने घर चले जाओ, जाओ ना, चले जाओ, पीछा छोड़ दो, हाथ जुड़वा दो, तीर मारूंगा, थोड़ी चलाऊंगा। ये तीर मरवा लेंगे गुरु जी, इनको पता है ये तीर किसको लगेगा। बस ऐसे ही चला जाएगा। अच्छा बैंड बांध लीजिए, कोई नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। आप घूमिए एकदम, जय श्री देव बोलिए, चलिए जय श्री देव। बताइए आपके पैर तिरछे हो चुके हैं बहन जी? आपके दर्द में कम आराम आया होगा, हल्का पड़ा है कुछ? नहीं पड़ा है तो आपके पैर तिरछे हो चुके हैं। ये इनके बेटे जो सर्जन है उनका नंबर ले लीजिए, ये आपको नीचे कराना पड़ेगा सर्जन से। देखो हम ही ऐसे हैं जो डॉक्टर की बीमारी को डॉक्टर की घोषित कर सकते हैं, डॉक्टर हमारी बीमारी वाले को अपनी बीमारी घोषित कर लेता है और फिर उसका इलाज करता रहता, फिर वो ठीक नहीं होता। तो हम आपको एक दिन ये कहें कि आप ठीक नहीं हो सकते, हम आज ही आपको बता देंगे आपका इलाज कौन करेगा, डॉक्टर। ठीक है, बोलो जय शनि। हाँ जी बहन बताओ, हल्का पड़ा कुछ? आप डॉक्टर की बात को याद नहीं करें, मुझे ये बताएं अभी जितना दर्द था क्या उतना ही दर्द है आपको? उतना नहीं है, कम हो गया? फिर बोले शनिदेव महाराज की। तो फिर हम काली गाय ना बजाएं भाई, आपको तीर पहला आपको ही लगा है? नहीं, पहला तीर किसको लगा है? तुझे लगा हाँ। अब तुझे कहीं दर्द है? चलो घूमो जय शनिदेव बोलते हुए, तेरा नाम लिया था मैंने, आगे आ जा, आगे आ जा। ओ ओ ओ और इनका तो पहले से ही पता चल गया कि ये किसी सर्जन की बस की बात, किसी फिजिशियन के बस की बात नहीं है। प्रेमा है कोई? प्रेमा, प्रेमा के साथ सबसे होता है, भूल गई थी, यहीं पे आ चुकी है, कई बार आ चुकी है। मैंने तो पहली बार वालों को बुलाया था, ये कैसे खड़ी है? फोटो ले।